हेलो गाइस गाइस इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, आप सभी को याद होगा, जिसमें हमने एक वादा किया था कि आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे शांति राजपूत के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या उनकी हत्या की गई थी? सो माय नेम इज भवानी शंकर एंड दिस इज कुमार गौरव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड और एजुकेटेड एक्टर थे और इसके साथ साथ वो एक काफ़ी अच्छे इंसान भी थे। यही वजह रही थी कि बहुत से लोग बॉलीवुड के अंदर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बड़े बड़े बैनर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। बिल्कुल, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सो कॉल्ड डायरेक्टर्स ने उन्हें बैन कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नेपोटिज्म के किंग मिस्टर करण जौहर। मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट। मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। तुम लोग के बाप का इंडस्ट्री है क्या? जो तुम बोलेगा वही होगा। Completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. इनका साथ देते हैं बॉलीवुड के कुछ स्टार्स जो ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म में इतने माहिर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की कि बीइंग ह्यूमन की, जो कि आज तक ह्यूमन बीइंग ही नहीं बन पाए हैं। और सुनने में आया है कि एक पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत की सूरज पंचोली के साथ एक छोटी सी अनबन हो गई थी, तो भैया हमारे भाईजान को पता लग गया। अब भाईजान तो भाईजान है, तो भैया एक काम किया, उन्होंने फोन उठाया, सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। और उसके बाद क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। नेपोटिज्म इज देयर एंड इट्स देयर इज एवरीवेयर, सो नेपोटिज्म कैन कोएग्जिस्ट एंड नथिंग विल हैपन, बट एट द सेम टाइम इफ यू डेलिबरेटली डोंट अलाउ राइट टैलेंट्स टू कम अप, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री विल कोलैप्स वन डे। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बॉलीवुड ने कर दिया उसको बॉयकॉट, बॉयकॉट करने के बाद कुछ एक्ट्रेसेस सामने आई जिनकी आईक्यू लेवल बहुत ही कम है। मैं यार बताऊंगा कि 10 साल के बच्चों को ले लो, उनको ले लो, ये दोनों का आईक्यू लेवल आई थिंक मैच ही होगा, 10 साल का बच्चा ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो आप वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखू, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता 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 सीता। Who is the president of India? Manmohan Singh. Pranam Mukherjee. जब आलिया यहाँ पहली बार आए तो उनका BMI यानी ब्रेन में IQ वो काफी कम था, इट वाज नॉन-एक्जिस्टेंट। बीइंग ब्रांड सोनम 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 सोनम, आई एम अ स्नॉब, आई एम लाइक अ बिग स्नॉब, आई एम अ स्नॉब, आई एम लाइक अ बिग स्नॉब, एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट, एंड इट्स एक्चुअली रियली लॉट ऑफ फन। Arjun, Siddharth, Varun, Sushant, Aditya, Ranbir, who according to you has the brightest future? Arjun and Arjun has been trained by me for the longest time. तुम्हारा सुपरस्टार बिपरस्टार ना सारे तारे गांड में डाल देंगे। हाँ, अभी बस ये हिंदुस्तान जो चाहेगा वही सुपरस्टार बनेगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, वहीं कुछ ऐसे स्टार्स थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद वो सामने आए पब्लिक के, उन्हें बकायदा बॉलीवुड के सारे जो बेगर धंधे है ना नेपोटिज्म के, उनको सबको रिवील किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर है कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो
क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में कार पहुंचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? यार इसके लिए बहुत दम चाहिए यार। ये जो स्टार्स हैं, सो कॉल्ड स्टार ही मैं कहूंगा, ये सलमान खान हो गए, शाहरुख खान भी, मैं कोई मतलब इज्जत नहीं करता हूँ मैं ऐसे लोगों की जो अपने लोगों के लिए सामने नहीं आते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, इवन इतने बॉलीवुड के माने हुए सितारे हैं, उन्होंने अभी एक शब्द नहीं बोला इनके लिए। इतनी शर्म की बात है, आप अपनी फैमिली के लोगों के लिए नहीं बोल सकते हो? बॉलीवुड एक फैमिली है यार, आप फैमिली के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो किसको प्रोटेक्ट करोगे, बाहर वाले को? तो गाइस अब हम आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या उनका मर्डर किया गया था? आई थिंक कुछ लोगों की आंखें अभी तक बंद है। ये वीडियो हमारी उन्हीं लोगों की आंखें खोलने के लिए है जिनकी आंखें अभी तक बंद है। जो लोग अभी तक इस थिंकिंग में है, इस बात को सोच रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था या उनका मर्डर किया गया है। यार एक इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा टैलेंटेड बॉलीवुड का एक्टर है जिसने एमएस धोनी जैसी लाजवाब मूवीज के अंदर काम किया है, इतने अच्छी अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया है, ऐसा इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है? एमएस धोनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद उसके बाद केदारनाथ मूवी करी, उन्होंने दिल बेचारा मूवी करी जो कि हाल ही में रिलीज होने वाली है, तो इतनी मूवीज देने के बाद कोई बंदा कैसे फ्रस्ट्रेट हो सकता है? यानी आपके सिंगल सोच रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रेज योर वॉइस फॉर सीबीआई इंक्वायरी। सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाना एक हमारा फर्ज है, बिकॉज बॉलीवुड से तो सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। सो गाइस एट द एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। हिस्सा पूरा लेगा हाँ? आप बिरयानी